हेलो टू फैमिली, वेलकम टू माय चैनल अकोस्टिक औध बाय मेरा नाम है फैसल और आज हम लोग प्ले करने वाले हैं सुन रहा है ना तू का गिटार इंट्रो फ्रॉम द मूवी आशिक 2। बेसिकली आज का जो लेसन है इसमें कॉर्ड यूज़ हुई हैं एंड ये बिगनर्स के लिए भी है और जो लोग कॉर्ड प्ले कर लेते हैं उनके लिए भी है। एंड जो इसमें कॉर्ड यूज़ हुई है वो ज़्यादा टफ कॉर्ड नहीं है तो उसे बिगनर्स भी ईजिली प्ले कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। हेलो एवरीवन, तो स्टार्ट करेंगे इसको इसके कॉर्ड पोर्शन से कि इसमें कौन कौन सी कॉर्ड यूज़ हुई है। तो इसमें तीन कॉर्ड यूज़ हुई हैं, A7, C मेजर एंड D मेजर। तो A7 और C मेजर एक दूसरे से रिलेटेड हैं। C मेजर को होल्ड करेंगे, C मेजर कॉर्ड को, देन इसमें थर्ड फिंगर को हटा देंगे तो ये बन जाएगी A7। एंड जिनको सी मेजर कॉर्ड होल्ड करना नहीं आती है उनको मैं बता देता हूँ सी मेजर होल्ड करने के लिए कौन कौन से नोट पर होल्ड करते हैं और किस स्ट्रिंग पर फिंगर रखते हैं। तो सी मेजर को प्ले करने के लिए सबसे पहले रखते हैं फर्स्ट फिंगर सेकंड स्ट्रिंग के फर्स्ट कॉलम पे और सेकंड फिंगर फोर्थ स्ट्रिंग के सेकंड कॉलम पे एंड थर्ड फिंगर फिफ्थ स्ट्रिंग के थर्ड कॉलम पे। ये बन जाती है सी मेजर कॉर्ड। इसको मैं पास से दिखा देता हूँ। इसमें कुछ नहीं करना है A7 बनाने के लिए, इसमें सिर्फ थर्ड फिंगर को हटा देना है तो ये बन जाती है A7 कॉर्ड। और जो इसकी थर्ड कॉर्ड है वो है डी मेजर कॉर्ड। अब जिनको डी मेजर कॉर्ड होल्ड करना नहीं आती मैं बताता हूँ कैसे होल्ड करते हैं। सबसे पहले सेकंड फिंगर को रखेंगे फर्स्ट स्ट्रिंग के सेकंड कॉलम पे और फर्स्ट फिंगर को रखेंगे थर्ड स्ट्रिंग के सेकंड कॉलम पे एंड थर्ड फिंगर को रखेंगे सेकंड स्ट्रिंग के थर्ड कॉलम पे। ये हमारी बन जाती है डी मेजर कॉर्ड। स्टार्टिंग होती है A7 से। तो अब आ जाते हैं इसके प्लकिंग पैटर्न पर। तो इसकी प्लकिंग काफ़ी इजी है जो इसके कॉर्ड के हिसाब से चेंज होती है। जैसे हम लोग सी मेजर कॉर्ड को होल्ड करेंगे तो यहाँ पर जो स्ट्रिंग यूज़ करेंगे प्लकिंग के लिए वो हो जाएगा 5 4 2 3 5 4 2 3 5 4 2 3। ये इसका प्लकिंग पैटर्न है। ये पैटर्न A7 के लिए भी यूज़ होगा एंड सी मेजर के लिए भी यूज़ होगा। 5 स्ट्रिंग, 4 स्ट्रिंग, 2nd स्ट्रिंग एंड 3rd स्ट्रिंग एंड डी मेजर कॉर्ड के लिए इसका स्ट्रिंग प्रोग्रेशन चेंज होगा। डी मेजर के लिए इसमें जो स्ट्रिंग प्रोग्रेशन इसका रहेगा वो रहेगा 4 3 1 2। डी मेजर के लिए 4 3 1 2। तो A7 एंड सी मेजर के लिए रहेगा 5 4 2 3 एंड जब डी मेजर कॉर्ड को होल्ड करेंगे तब यहाँ पर स्ट्रिंग प्रोग्रेशन चेंज होएगा, रहेगा 4 3 1 2। अब चलिए स्टार्ट करते हैं दोनों को, कॉर्ड को और प्लकिंग पैटर्न को एक साथ कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले A7 होल्ड करेंगे, देन यहाँ से 5 4 2 3, देन सी मेजर कॉर्ड, देन डी मेजर कॉर्ड, यहाँ पर रहेगा 4। अब इसको थोड़ा सा फास्ट प्ले करेंगे प्लकिंग विद कॉर्ड। अब इसका हैमर पोर्शन बचा जो इसके बाद के नोट यूज होते हैं। इसके बाद जो नोट यूज हुआ है वो
फोर्थ स्ट्रिंग को ओपन प्ले करेंगे एंड सेकेंड कॉलम पे हैमर का यूज़ करेंगे। तो फोर्थ स्ट्रिंग को ओपन यूज प्ले किया, कुछ नहीं करना है, पहले फोर्थ स्ट्रिंग को प्ले करना है और सेकेंड पे हैमर करना है सेकेंड कॉलम पे। देन फिफ्थ स्ट्रिंग का थर्ड एंड सेकेंड कॉलम। अब यहाँ का हैमर पोजीशन दिखाता हूँ कि हैमर से कहाँ से कहाँ तक प्ले हुआ है। तो स्टार्टिंग करता हूँ फोर्थ स्ट्रिंग से, फोर्थ स्ट्रिंग को प्ले करेंगे यहाँ से, देन स्टार्टिंग से। तो अब जो टोटल प्ले करेंगे वो कैसे प्ले करेंगे, मैं आपको प्लकिंग नहीं दिखाऊंगा लेकिन कॉर्ड का प्रोग्रेशन दिखाऊंगा कि प्लकिंग के साथ कॉर्ड का प्रोग्रेशन कैसे यूज हुआ है। हेलो एवरीवन, आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें एंड जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।